हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो यार आज जो वीडियो देख रहा हूँ वो है बिग बॉस 16 की पार्टी हुई है, उसका लिंक दिया जा रहा था कि सारे स्पॉटेड किए गए हैं उधर। तो देखने लगा कौन कौन है और कैसे लग रही है बाहर निकलने के बाद। ओब्वियसली 4 मंथ यार, मैं सऊदीया से पाकिस्तान आया हूँ तो मुझे बड़ा डिफरेंट लगा 2 दिन की। यार मैं ऐसे होता है ना, एक बंदे की उधर की आदत हो जाती है। तो आज ये वीडियो देख रहा हूँ तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये किसको आग मार रहा है? एमसी। अच्छा एमसी, भागो भागो उधर। अच्छा लोग कह रहे थे कि सोते हुए पता लगा इसको कि ये विनर बन गया। यार ऐसे नहीं होता है, सेट करना पड़ना है आपको। कितना बोल रहे हैं, उतार ही बारा बारा छोटा भाई। कैसे करते हो? अच्छा एक लाइट वाला ने लगा पकड़ा होना मेरे का। बराबर बराबर, मैम मैम को ले लो, मैम भी आगे। हां अरे भाई, ये भाई तुम हटो। कौन है सर? ओ निमर, अरे भाई तुम यार। अरे यार क्या, मैम को ले लो ना, मैम मैम आइए। काफी डिफरेंट फील कर रहे होंगे है ना, लाइक अंदर गए हैं इतने मशहूर नहीं थे, जब निकलते हैं तो वो भी लोग जानते हैं जो नहीं जानते, तो बड़ा डिफरेंट होता है। उन्होंने निकल के जाना ही था। पार्टी किसकी है पहले तो मुझे बताओ। हो गया, निकलो। हाँ अपने लिए रुके हैं, हमारे लिए रुका भाई, अपने लिए हमारे लिए रुकिए, पहले ऐसे रुकिए। मैम मैम निमृत, मजा आ रहा था सुनने का। एक साथ में अबे यार ऐसे नहीं, गाड़ी आ रही मेरे भाई, साइड हट जाओ। जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा सीधी सी बात है, ठोको कोई लिया। काम है तो क्या हुआ, आराम से के ऐसे के वेट कर। अब उतार रहे हैं जब, तो यहाँ तो उतरे ही ना ना, वो उनको रोक, सीधी सी बात है ना, उनको रोको, उनको लेके जाओ उधर, बस ठीक है। हाँ बस हम लोग जा रहे लेके ना भाई, चलो ना यार, नीचे का मुझे लगता था ये जीतेगी, पता नहीं क्यों जीती नहीं। लगता ही रहेगा, कैसे आप सब, प्यारी लगेगी। सवाल तो पूछो आप ही, साजिद जी मैं आ गई हूँ, बंद कर। अच्छा ये अंदर ज्यादा फिट हो गया ये भाई, गेट के अंदर तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था भी, बस मुझे मैं कोई पूछता मैं कहता तो यही है भी। बाद में पता लगा कि गेम भी है, कहना नहीं चाहिए, मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे पीछे बोलने लग जाते हैं। सालिम भाई एमसी के बारे में, हां एमसी रॉक्स यार,
एमसी माइंड ब्लोइंग है, कहना पड़ना शिवभाई तो यार रॉकस्टार है मैम, मैं इन दोनों से मिलने के लिए सबसे ज्यादा उतावला हो रहा हूँ। प्रियंका जी, प्रियंका भी देखा, सभी को वही नेम है, तीन नेम जो के लगते हैं कि ये विन करेंगे, है ना? चल रही है, कितनी भी चल रही है। हां, एक सेकंड थैंक यू। ये भाई एक मिनट रुको यार, टीना दत्ता कहां पे? अच्छा यार मजा है इनकी इस तरह की वीडियो देखने का ना, मुझे पता नहीं क्यों मजा आता। उनकी बातें आगे से उनको क्विक रिस्पॉन्स देना पड़ता है। अच्छा ये उनकी पार्टी है, साजिद खान और फरा बॉलीवुड के जो मतलब के साया जिनका है, ये भी अच्छा अर्चना कैसे कहते हैं, रिस्पेक्ट करो उनकी गई। अर्चना मैम कह लो यार, कोई कोई रिस्पेक्ट दे दो उसे। आई इसकी वॉइस अच्छा, इंडिया में भी सीएनजी भी गाड़ियां चलती हैं। ओ अब्दू आया भाई, अब्दू की एंट्री चेक करो, गाड़ी चेक करो। क्या भाग गया। अच्छा ये प्रियंका कह रही थी कि मैं रोकूंगी, उन्होंने भी रोकी आई थी। नहीं उतरेगी, निकल जाएगी। गे नहीं, जवान की बच्ची है। उसने बंद कर दिया गाड़ी। ये कौन है? अरे लाइट आ रही, ऊपर ले लाइट है, ऊपर करके मार। नहीं इनको नहीं मैंने देखा। हाँ बस कांच खोलिए, बस भाई कुछ बोलिए। एमसी जीत गए, जीत गए। सबसे ज्यादा खुशी है कि एमसी जीता है। एक हमारे किचन है, पत्नी का बंदा निकला है और क्या जर्नी रही है उसके कमाल। इतने लोगों को, इतने मिलियंस को इंस्पायर कर रहा है। तो नीचे से लाइट कट रही, नीचे से चल रही। मैंने देखा है, ये सही है, देश में उसका नाम बन रहा है और अवेयरनेस बढ़ रही है। सब मिलेंगे वापस से। थैंक यू मैम, नीचे लाइट मारे को ऊपर जा रहे थे। थैंक यू, जान दो। लाइट मारने के लिए बंदा लेदर रखा हुआ है ना, नीचे तो ऊपर जाता है, काला हो रहा है। जान दो, तो कैमरा कैसे हो भाई? बस बढ़िया यार, आपको तो कैसे? बस ये देखा देखा यहाँ पे पार्टी की नाइट चालू हो गई आज। कोई बुलाया सर ने, जा रहा उधर ये है ना, कुछ बोलेंगे कल स्टैंड जीता तो? बहुत बढ़िया हुआ जो सर, अरे यार फोटो पार्टी हार्ट होने वाली है सर, पार्टी। एक मिनट सुनो ना भाई, शिव भी जीत सकता था ऐसा लगता है आपको? देखो बाल निकलवाना चाहते हैं, बाल निकलवाना चाहते हैं यार। बाय 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 यार, देखो ना अच्छे लग रहे हैं सभी, बट इन्होंने अभी ये एक दो दिन ही है मिलना है, क्योंकि अंदर जितनी फाइट सही होती है ना, बंदा कहता है यार ना ही मुंह लगूं तो बेहतर है तो बेहतर है कि अपने अपना काम ही करें। तो ऑब्वियसली काम तो सबको मिलना है, प्रियंका को भी मिलना है। अच्छा मोस्टली मेरे ख्याल से अगर प्रियंका जीतती तो जिस तरह ये साल पूरा और
वो एक क्रेज रहता है ना, जिस तरह तेजस्वी कर रहा है, तो वो काम और मीडिया में एक वाइब्स रहनी थी। एमसी का शायद डिफरेंट हो, उसको अब काम मिले तो फिर वो न्यूज़ में रहेगा, या तो फिर अपने सॉन्ग्स निकाले, मेरे ख्याल से वो बैक टू बैक उसको निकालने पड़ने हैं अगर आपने पब्लिक में रहना है। तो ये सेम टू सेम यूट्यूब की तरह है कि अगर आप चुप होते हो तो आप चुप ही रह जाते हो, लोग कहीं और निकल जाते हैं, ऐसे ही है। और आपको काम करना पड़ता है डेली बेस पे, तो इसी तरह ही है। तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।